So here's up guys, Harsh here, back in the video. So guys, in this video, we're going to see a speed test of the iPhone 13 Pro and the iPhone SE. So guys, dono hi phones bahut zyada powerful hain. Wait, main isko off kar deta hu apne iPhone 13 ko. So guys, both the phones, dono hamare phones bahut zyada powerful hain. And guys, dono comparatively latest devices hi hain. So guys, let's just quickly get started, kyunki zyada kuch hai nahi aise intro mein dikhane ke liye, batane ke liye ya fir स्पीड टेस्ट है, नॉर्मल स्पीड टेस्ट जैसा भी होता है दोनों फोन्स का. ये हमारा आईफोन 13 और ये है अपना अपना कौन सा आईफोन SE. सो गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बूट अप टेस्ट. सो गाइस मैं दोनों फोन्स को यहाँ पर रखता हूँ. गाइस दोनों फोन को साथ में ही ऑन करता हूँ. और गाइस बिफोर बिगिनिंग लेट्स जस्ट एम फॉर 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. देखते हैं 100 लाइक्स आएंगे या नहीं आएंगे. एंड गाइस नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो गाइस मैं 3, 2, 1 बोलते हैं दोनों फोन्स को ऑन करता हूँ. 3, 2, 1 एंड दोनों में से ठीक है. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला है अपना आईफोन 13 और ये है अपना आईफोन SE. मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले कैमरे को थोड़ा नीचे करूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे. सो आई जस्ट डू इट. इतने में इसको पहले इसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं. ओके और लाइट ऑल राइट गाइस. सो हमारा आईफोन जो 13 है वो ऑन हो चुका है और अराउंड 5 सेकेंड्स हो गए हैं और हमारा आईफोन SE अभी तक ऑन नहीं हुआ है. ओ भाई साहब, SE तो बहुत स्लो बूट हो रहा है. अराउंड 10 सेकेंड्स हो गए होंगे और अभी तक ऑन नहीं हुआ है. सो गाइस मैं अपने आईफोन SE को तो बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइस मानता था एंड ड्यू टू वॉट एवर रीज़न मेरे को एग्जैक्टली श्योर भी नहीं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा इसको ऑन होने के लिए. एनी वे गाइस एक सेकेंड में आप कैमरा एडजस्ट करता हूँ और मैं इसको ऑफ करता हूँ. एंड सो ऑल राइट गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँगी. मैंने कहा इस बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर रखी है. जो भी मैंने एप्लीकेशन ओपन कर रखी थी वो मैंने सब बंद कर दिए हैं गाइस. सेम इज द केस विद द आईफोन SE. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये 25 एप्लीकेशन है मेरे साथ. नहीं 24 ऐसी एप्लीकेशन जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. एंड गाइस हम इन्हीं में ही स्पीड टेस्ट करेंगे. सो गाइस मैं दोनों को वन बाय वन दोनों फोन्स में ओपन करता हूँ और देखते हैं किस में ज़्यादा जल्दी खुलेगी. सो गाइस सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मैसेजेस में. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मैसेजेस. मैसेजेस गाइस दोनों फोन में हमारे बिल्कुल साथ ही खुल गई है. नेक्स्ट अप इज़ वॉच एप्लीकेशन. दोनों फोन में बिल्कुल फास्ट खुल गई. जैसे कि अगर गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा आईफोन SE है ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट है. सो गाइस मैं एक बार फटाफट इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रखा. एंड सो ऑल ऑफ दिस एज यू कैन सी दोनों मोबाइल फोन्स सेम वाईफाई पे ही कनेक्टेड हैं. सो गाइस नेक्स्ट अप इज़ स्टॉक्स एप्लीकेशन. दोनों फोन में बिल्कुल साथ में ही खुल गई है. उसके बाद हम ट्राई करते हैं व्हाट्सएप. इस वाले फोन में व्हाट्सएप लॉक्ड इन नहीं है. अब ट्राई करते हैं हम यूट्यूब. देखते हैं यूट्यूब किस में पहले खुलेगा. और गाइस यूट्यूब हमारे आईफोन इस वाले में पहले खुल गया है एंड ड्यू टू वॉट एवर रीज़न ये सीधा सीधा शॉर्ट्स में ही खुला है. सो गाइस मैंने पहले एप्लीकेशन सारी क्लियर तो कर दी थी वैसे, और देखें हाँ सारी क्लियर कर दी थी, पता नहीं क्यों शॉर्ट्स में खुला. सो गाइस एक बार और ट्राई करते हैं. ये रहा यूट्यूब. एंड गाइस दोबारा से हमारे आईफोन SE में पहले खुली है यूट्यूब, जो कि एक बहुत ही क्रेजी बात है. अब हम ट्राई करते हैं अपने गूगल मैप्स. गूगल मैप्स भी ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन में सेम टाइम में खुली हैं. लिंक्डइन ट्राई करते हैं. गाइस हमारे आईफोन SE की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. आईफोन SE में हमारे सारी एप्लीकेशंस पहले खुल रही हैं ड्यू टू वॉट एवर रीज़न. सो गाइस ओ फेसबुक भी गाइस इसमें पहले लोड हुई है हमारे आईफोन SE में. एंड गूगल क्रोम ध्यान सा नहीं दिया किस में पहले खुला है, कमेंट्स में बताना. शायद से आईफोन SE में ही खुला था. फोटोज़ सेम टाइम पर बिल्कुल. कैमरा एप्लीकेशन दोनों में सेम टाइम पर ही खुली है ये भी. सेटिंग्स तो सेम पे ही खुलेगी. यस अब ट्राई करते हैं सबसे बढ़िया एप्लीकेशन जिसमें थोड़ा पता लगेगा CPU पे लोड पड़ेगा, जो कि है पबजी. देखते हैं गाइस पहले किस वाले फ़ोन में लोड होएगी. मेरे को लगता तो है वैसे आईफोन 13 में होगी. मेरे गाइस जितनी भी छोटी मोटी एप्लीकेशन थी ना वो सारी लोड पहले हो जा रही है हमारे आईफोन SE में. ओह पबजी भी शायद पहले इसमें लोड होएगी, देखते हैं. ओके पबजी मतलब गाइस ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर टाइम पे ही ऑन हुई है और हमारे पहले 13 में लोड हो गई थी. बस उठ के जस्ट एक सेकंड से भी कम का ही फर्क था. सो गाइस ट्रू कॉलर ओके सेम टाइम पे 13 में पहले था ये थोड़ा सा. ये गाइस स्काई व्यू लाइट ऐप है, ये मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को पता है आप लोग नहीं यूज़ करते होंगे. एंड दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइम पे ही खुल रही है. बेसिकली स्टार्स बता देती है किस डायरेक्शन में स्टार्स हैं आपके नहीं यूनिवर्स के, मतलब जो भी है बाद में बताऊंगा कभी से आपके बारे में. स्पीड टेस्ट देखते हैं इसमें पहले खुलेगी. दोनों में सिमिलर टाइम पे खुली है. एक बार स्पीड टेस्ट भी कर लेते ताकि एक एंटीना बैंड्स के बारे में आइडिया लग जाए कि दोनों फोन्स में कैसे कैसे एंटीना बैंड्स हैं. सेम वाईफाई जैसे मैंने आपको बताया मैं यूज़ कर रहा हूँ और वाईफाई यहाँ पर लगा हुआ है बिल्कुल जस्ट मेरे राइट साइड में. 25 Mbps की स्पीड दे रहा है हमारे आईफोन 13 में. गाइस आईफोन SE भी बहुत ज़्यादा फास्ट है.
बोलता हूँ गाइस, आईफोन एसई भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपने देखा ही, सारी एप्लीकेशंस गोले की तरह खुल रही है। मैं आईफोन एसई मतलब 13 के टकिंग 13 को टक्कर दे रहा है, 13 प्रो को तो कोई फोन टक्कर देना ही नहीं चाहिए, 13 प्रो को ज़्यादा रैम वाला वर्जन। और गाइस आईफोन एसई में सब कुछ ये खुली जा रही है। सो गाइस 25 और 31 Mbps की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग रिस्पेक्टिवली। ओके हमारे आईफोन एसई में गाइस स्पीड भी ज़्यादा अच्छी आ रही है, ये तो कैसे ही हो सकता है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सेम वाईफाई कनेक्ट कर रखा है सबके लिए, दोनों के लिए, एक बार दोबारा चेक करूँ। हाँ वाईफाई तो वैसे यहाँ पे एक ही है, सो भाई सेम वाईफाई कनेक्टेड है ड्यू टू वॉट एवर। भाई साहब 68 की अपलोडिंग डबल, सो भाई जैसे कि आप देख सकते हो भाई डबल डबल का फर्क हो रहा है। ओह भाई साहब आईफोन एसई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने राइट साइड पर रख रखा है इसलिए हो रहा हो, बट नहीं यार इतना फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। एनीवे का जैसे कि आप देख सकते हो डबल डबल का फर्क है भाई साहब। ट्विटर ट्राई करते हैं, ट्विटर हमारे आईफोन 13 में खुल गया है सबसे पहले, फाइनली कोई एप्लीकेशन 13 में पहले खुली। वेदर एप्लीकेशन दोनों में सेम पे ही खुलेगी, लोड इसमें बाद में हुई है, एसी में और 13 में पहले खुल गई थी। फ्लिपकार्ट देखते हैं, ओके 13 में खुली, जस्ट एक सेकेंड से भी कम के बाद हमारे एसी में खुल गई है। बुक माई शो सेम पे ही खुलेगी जितना मेरे को लगता है, हो 13 में पहले। सो गाइस ओके इसके बाद अमेजोन एप्लीकेशन देखते हैं पहले किस में खुलेगी। अमेजोन भी हमारे 13 में ही खुल गई है मेरे ख्याल, पहले दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। अमेजोन सेम भाई साहब बिल्कुल सेम। NBA एप्लीकेशन शायद से आप लोग ये ना यूज़ करते हो, बट थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन थी इसलिए मैं रख ली थी। और ये भी हमारे आईफोन SE में पहले खुल गई है। Paytm तो सभी यूज़ करते होंगे, देखते हैं पहले किस में खुलेगा। ओके दोबारा ट्राई करते हैं, सो Paytm दोबारा यही आएगा। तो आईफोन एसी में पहले खुल रहा है Paytm भी। और गाइस एक लास्ट एप्लीकेशन जो मैंने रखी थी वो है ये ऑफिस वाली एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो गाइस इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें किस में पहले खुलेगी। ओके दोनों फोन में बिल्कुल सेम टू सेम टाइम पे। गाइस अगर मैं आपको अब एक बार हम रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके बाद एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, इसको उल्टा रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ ताकि सही से अच्छा लगे थोड़ा सा। सो गाइस अब एक बार रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारी बैकग्राउंड में ओपन थी। हमारे आईफोन S13 में ट्राई करते हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन ओपन होंगी मेरे हिसाब से। तो मैसेजेस खुला हुआ है, वॉच खुली हुई है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, ओ ये तो खुला ही नहीं था। ओके यूट्यूब खुला हुआ है, मैप्स खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है, सब कुछ खुला होगा मेरे को पक्का पता है। इसमें मैंने पहले भी टेस्ट कर रखे हैं, स्पीड टेस्ट, सब कुछ चीज़ें खुली रहती हैं। पबजी का डाउट था एंड सो ऑलर गए, जैसे कि आपने देखा कि पबजी भी खुली हुई है बैकग्राउंड में, ट्रू कॉलर भी खुला हुआ है। अगर मान लो अगर पबजी खुली हुई है तो मैं आई एम प्रीटी श्योर कि सारी की सारी एप्लीकेशन खुली होंगी, मेरे को कोई डाउट भी नहीं है इसमें। स्पीड टेस्ट, ट्विटर, वेदर, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, ये सब कुछ खुली हुई है गाइस। Paytm भी खुली हुई है। और एक बार अपना ऑफिस भी चेक कर लेते हैं, ऑफिस भी खुला हुआ है। सो गाइस ये तो थी अपने आईफोन 13 में सारी के सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। अपने आईफोन SE में चेक करते हैं एक बार। आईफोन SE की गाइस रैम थोड़ी सी कम है, तो मेरे को थोड़ा डाउट है कि इसमें शायद से हो सकता है सारी एप्लीकेशंस ना खुली हों, बट काफ़ी सारी तो इसमें भी खुली होंगी। सो गाइस मैसेजेस खुला हुआ है, वॉच खुली हुई है, स्टॉक्स खुले हुए हैं, व्हाट्सएप खुला हुआ है, यूट्यूब खुला हुआ है, गूगल मैप्स खुले हुए हैं, लिंकडिन भी, ओ लिंकडिन शायद से लोड हुआ दोबारा से, फेसबुक खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, फोटोज़ खुली हुई हैं, कैमरा एप्लीकेशन भी खुली होगी, छोटी मोटी एप्लीकेशन है तो बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती है। पबजी का डाउट है, और गाइस पबजी भी खुला हुआ है। तो गाइस दोनों ही फ़ोन्स में हमारी पबजी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बंद नहीं हुई थी, इसमें भी गाइस सेम थी। अगर पबजी खुली हुई है तो सब कुछ ही खुला होगा, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। एंड गाइस हो सकता है बीच में थोड़ी सी ऑडियो ख़राब हो गई हो, सो आई एम प्रिट्स वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके ये भी खुला हुआ है, सब कुछ खुला होगा पक्का, कोई डाउट ही नहीं है यार। सो गाइस ये थे हमारे दोनों आईफोन SE और हमारा आईफोन 13 प्रो। एंड गाइस रुको मैं उस वाले कैमरा से आउटरो करता हूँ, प्रॉपर करता हूँ उसको दोबारा, बहुत भारी है। तो सो ऑल राइट गाइस आपने देखा है कि दोनों के दोनों फोन्स कितने ज़्यादा फास्ट है। गाइस एक बार अगर मैं आपको इनका गीक बेंच स्कोर भी दिखाऊँ तो इन दोनों का गीक बेंच स्कोर भी मतलब काफ़ी सिमिलर तो नहीं है जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं। कहाँ गया गीक बेंच जीरा। सो गाइस हमारे आईफोन SE में जो गीक बेंच स्कोर है वो आ रहा है अराउंड 1300 और 2400 सिंगल कोर मल्टी कोर पे। और गाइस अगर मैं यही सेम आपको स्कोर दिखाऊँ हमारे आईफोन इस पे 13 प्रो पे, तो 13 प्रो पे है हमारा अगर गीक बेंच सिंगल कोर पे 1300, 1700 और 4600। लेकिन गाइस फिर भी दोनों के दोनों डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलरली परफॉर्मेंस दे रहे थे मेरे को। गीक बेंच स्कोर में तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन गाइस फिर भी दोनों के दोनों डिवाइसेस
काफ़ी अच्छी काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहे थे। सो गाइज आपने देखा कि दोनों फ़ोन्स कितने ज़्यादा फास्ट है। गाइज मेरे को लगा नहीं था कि मेरा आईफोन ऐसी, मतलब मेरे को पता था ये फास्ट है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बिल्कुल आईफोन 13 के बराबर गई है। सो बेसिकली गाइज मेरे को आपको सिर्फ यही दिखाना था इस वीडियो में। गाइज होपफुली आपको देखकर समझ आ गया होगा कि दोनों में से कौन सा डिवाइस फास्टर है। लेट मी नो कमेंट डाउन बिलो कि आपको दोनों डिवाइस कौन सा अच्छा लगा। वैसे वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो अपना आईफोन SE कहाँ पर ये हमारे 25-26 हज़ार रुपये का मिल रहा था एक बारी को, और ये 1.5 लाख का। वैल्यू फॉर मनी तो हमारा कंप्लीटली आईफोन SE 2020 है। सो बेसिकली गाइस यही सब आपको दिखाना था। अगर आप यहाँ तक आ गए देन यू विल डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, आई एम आउट।